वहीं शंभू बॉर्डर पर कई जगहों पर किसान आंदोलन उग्र हो गया है। पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर तक फेंके। पुलिस ने आंसू गैस के गोले वहां पर छोड़े हैं। आपको बता दें कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन की बात कही गई थी, लेकिन यहां पर पथराव किया गया है। जो जानकारी मिल रही है, पुलिस से ही प्रदर्शनकारी भिड़ गए, क्योंकि पुलिस ने पहले से तैयारी की गई थी और जो आज से कुछ साल पहले आंदोलन हुआ था उससे सबक लेते हुए पुलिस की कोशिश थी कि किसी भी तरह से सीमाओं पर ना रुकें। लेकिन किसानों ने जो बताया जा रहा है कि वहां पर पथराव हुआ कुछ लोगों की तरफ से, जिसके बाद पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले छोड़े वहां पर। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं और जो शांतिपूर्वक आंदोलन की बात थी आज वो हिंसक होता हुआ यहाँ पर दिखा, जिसमें पुलिस और किसानों के बीच झड़प जैसी स्थिति भी बन गई। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हैं जहाँ पर पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए और किसानों की तरफ से भी इसमें पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। आपको बता दें कि बेहद कड़ी सुरक्षा बॉर्डर्स पर की गई है और पूरी कोशिश है पुलिस प्रशासन की कि इस बार पहले जैसी स्थिति ना बने, क्योंकि एक साल से ज़्यादा समय तक पिछली बार आंदोलन चला था और बहुत मुश्किल से वहाँ पर जो है वो आंदोलन पुलिस और सरकार खत्म करवा पाई थी। लेकिन MSP पर क्योंकि अभी तक गारंटी जैसी कोई चीज़ नहीं हुई है, इसीलिए जो किसान हैं वो वापस आंदोलनरत हुए हैं। और ये समय ऐसा है जब चुनाव बेहद नज़दीक हैं और जाहिर बात है कि किसान चाहते हैं कि उनकी मांगों को अब जल्द से जल्द पूरा किया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि पहले जैसी स्थिति ना बने या उतना लंबा आंदोलन इस बार ना खींचे जैसी स्थिति पिछली बार बनी थी और एक साल से ज़्यादा वो आंदोलन चल गया था। ये शंभू बॉर्डर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे, जिसके बाद बॉर्डर पर हंगामा हो गया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें बैठे हैं क्या बोरे पे।